Welcome to Time News Studios. You are watching 4 p.m. Bulletin. पाकिस्तान में गुजरियल साल के भेट में इन साल करप्शन घटजन बदरा बधी वही। पाकिस्तान करप्शन बाबत 180 मुल्क की फहरिस्त में 124 नंबर से अची वो। साल 2019 में पाकिस्तान 120 नंबर से हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन बाबत रिपोर्ट जारी कर छी। रिपोर्ट में चयो है तो बदउनवानी के लिहाज का थियल दर्जाबंदी में पाकिस्तान 120 का 124 नंबर से हलो वो। 2018 में पाकिस्तान 117 की रैंक से हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2017-18 जहाँ अंग अखर हासिल कया। रिपोर्ट जो उर्दू में तर्जुमो थो तो सब कुछ वाजे थी वो केर भी कानून का मथा हो ना। वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ हुकूमती तर्जुमान जो इजलास। वजीर आजम पंजाब में कब्जे माफिया खिलाफ ऑपरेशन से सूबाई हुकूमत के शाबाश डींदे है तो नवाज लीग कब्जा माफिया है और जेका माफिया की सरपरस्ती कर रही है। वजीर आजम चयो तो ब्रॉडशीट मामले की जांच का रोकने लाए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की किरदार कुशी कई पी वे। हुकूमत सेनेट चूंडू साफ ए शफाफ कराने चाहे थी। नवाज लीग तरफा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमती बयानी के मुंह से चमाट करार। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब है तो रिपोर्ट सिलेक्टेड वजीर आजम के कूड़न इल्ज़ाम बयानी के मुंह से चमाट है। सिलेक्टेड हर महाज से नाकाम थी वया। हुकुमरानन रुगो करप्शन कमीशन ए चोरी में तरक्की कई है। वजीर आजम के खसूसी मुआविन शहबाज गिल है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नवाज शरीफ दौर की इंडेक्स है। रिपोर्ट में लगायल डेटा 2017-2018 में पब्लिश थी वही। अंग्रेजी में शाया थियल रिपोर्ट जो तर्जुमो थियण से पतो पी वो तो नवाज लीग वारा बीहर पकड़ी पाया। अमेरिकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल कत्ल केस के जवाबदार उमर शेख के फौरी तौर आज़ाद करने जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट जवाबदार की आज़ादी के खिलाफ सिंध हुकूमत जो अपील रद्द कर छी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पारा पेश कर रिपोर्ट से अदम इत्मिनान जो इजहार। अदालत चयो तो सिंध हुकूमत इल्ज़ाम हयो तो जवाबदार उमर शेख भारतीय परदेही वजीर बणजी कॉल कई साबित भी तो करो। उमर शेख की आसिफ ज़रदारी जनरल परवेज कयानी के जेल में कल फोन कॉल्स बाबत बुधायो। 12 साल बाद अवे याद आयो तो अजा तीन डेटा ही गड नी सकी है। सरसरी जान न पर जोगा सबूत पेश कर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में टे रुकनी बेंच 2-1 की अक्सरियत से फैसलो बुधायो। अदालत हुक्म दिनों तो उमर शेख सलमान साके फहद नसीम ए आदिल शेख जैसे कें बे केस में घुर्ब ना तो खेन फौरी तौर आज़ाद किया वे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट शकी ट्रांजैक्शन केस में अगूणे सदर आसिफ जरदारी की जमानत में 3 फरवरी तीन वाध कर छी। मेडिकल रिपोर्ट्स पेश थे बाद आसिफ जरदारी की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत रिमार्क्स डींदे है तो ईंदड़ बुधणी से जमानत जो फैसलो मेडिकल ग्राउंड से किया वो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तवा आइन तहत हलफ खयो आहे छा उन जी का अहमियत आहे। आइन तवा के कम करण जो इख्तियार दिनो आहे। तवा के खबर आहे त रूट लेवल ता इख्तियार मुंतकिल न करण सा छा थींदो। सुप्रीम कोर्ट तरफा बलदियाती चूंडू न कराने ते इलेक्शन कमीशन मथा कावड़ जो इजहार। अदालती हुकुम ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ए कमीशन जा मेंबर्स फौरी तौर पेश। जस्टिस काजी फायज ईसा रिमार्क्स दींदे चयो त बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन फारिग वेठी आहे। बलदियाती चूंड लाए आइन में तरमीम करनी है तो करो। इन वक्त खतरनाक सूरतहाल है। मानू इदारन के बार समझन था। इलेक्शन कमीशन आज़ाद ए खुद मुख्तियार इदारो है। पंजी मौजूदगी देखारे केर तवां के आइन ते अमल करण का रोके तो उन खिलाफ एक्शन खड़ो। अदालत इलेक्शन कमीशन के बलदियाती चूंड बाबत तारीख तय करण लाए 1 हफ्ते की मोहलत दई छी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में बलदियाती इदारन के टोड़ने वाले सूबाई हुकूमत के अमल के गैर आइनी करार दई छो। सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती चूंड बाबत बुधणी दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत के बुधायो तो पंजाब हुकूमत तरफा बलदियाती इदारन के टोड़ गैर आइनी हो।
सूबाई हुकूमत हाणे नओ बलदियाती कानून ठाहे वरितो आहे। जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सां मुखातिबु थींदे चयो त छा तव्हां गैर आइनी क़दम ते पंजाब सरकार ख़िलाफ़ु क़दम खयो, आइन ते अमल नथा कराए सघो त वाज़े ॿुधाए छॾियो। जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा तर्फ़ां ख़ैबर पख़्तूनख़्वा खे के पी सॾण ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर मथां कावड़ जो इज़हार। जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा चयो त तव्हां आइनी उहिदेदार आहियो, आइन में सूबे जो नालो मौजूदु आहे त पूरो नालो वठो, सूबे जे अवाम में नफ़रतूं पैदा न करियो। कोरोना वैक्सीन जी पहिरीं खेप छंछर ताईं पाकिस्तान पहुचण जो इम्कान। वफ़ाक़ी सिहत खाते जे इख़्तियारनि जो चवणु आहे त क़ौमी एयरलाइन ज़रिए कोरोना वैक्सीन मुफ़्त में पाकिस्तान पहुचाई वेंदी। सिंध जे सिहत खाते ऐं नाज़रा इख़्तियारनि कोरोना वैक्सीन लाइ डिजिटल मैकेनिज़म जोड़े वरितो। पंजाब जे वॾे वज़ीर सां अपोज़िशन पार्टीज़ जे एम पी एफ़ तरफ़ां मुलाकातुनि जो सिलसिलो जारी। नवाज़ लीग एम पी ए काशिफ़ महमूद ऐं पीपल्स पार्टी एम पी ए रईस नबील अहमद तरफ़ां मुलाकात दौरान उस्मान बोज़दार ते एतमाद जो इज़हार। पंजाब जे वॾे वज़ीर चयो आहे त सदन दरवाज़ा समूरनि धुरियुनि लाइ खुलियल आहिनि। माज़ीअ जी हुकूमतुनि पुठिते पियल इलाइक़नि खे नज़रअंदाज़ कयो। मौजूदा हुकूमत जे तरक़ीअ वारे सफ़र में पहिरियों हक़ पुठिते पियल इलाइक़नि जो आहे। पंजाब जे वॾे वज़ीर सां हेल ताईं 7 लीगी ऐं 2 पीपल्स पार्टी एम पी एस मुलाक़ातूं करे चुका। कराचीअ जी सोभराज इस्पताल में नर्सिस जो औरत ते तशद्दुद खेसि धिका ॾेई इस्पताल मां ॿाहिरि कढी छॾियो। इलाज लाइ आयल औरत नर्सिस खे मिंथू कंदी रही पर संदसि कंहिं हिकु बि न ॿुधी। औरत जी दाहुनि ते इस्पताल में मरीज़ ऐं अमलो गॾु थी वियो। मुतासिर औरत लुड़क लाड़ींदी इस्पताल मां हली वई। इस्पताल इंतिज़ामिया औरत ते तशद्दुद कंदड़ नर्सिस ख़िलाफ़ु कार्रवाई न कई। कराचीअ जी मेमुण इस्पताल इंतिज़ामिया नारी नाज़िया सोलंकी मामले ते ग़लती तस्लीम कंदे वारसनि खां माफ़ी घुरी वरिती। मेमुण इस्पताल जो 6 रुकनी वफ़द नाज़िया सोलंकी जे वारसनि वटि पहुची ताज़ियत सां गॾु माफ़ी बि घुरी। कुझु ॾींहं अॻु रोड हादसे में ज़ख़्मी थियल नारी नाज़िया सोलंकी मेमुण इस्पताल मां तिबी इमदाद न मिलण सबबि तड़पी तड़पी फौत थी वई हुई। मामले जी जाच लाइ 6 रुकनी कमेटी बि जोड़ण ते इतफ़ाक़। सिंध हाई कोर्ट सखर कुता ॾाढण वारे केस में सिहत खाते ऐं पुलिस ऑफिसर्स जी रिपोर्ट ते बेअतमादी ज़ाहिर कंदे एम पी एस खे कुता मार मुहिम जी निगरानी जो हुकुम ॾेई छॾियो। केस जी ॿुधणीअ दौरान लाड़काणो शिकारपुर ऐं ॿियनि ज़िलनि जा एस एस पीस तोड़े सिहत खाते जा अमलदार पेश थिया, जिन रिपोर्ट पेश कई। अदालत रिमार्क्स ॾिना त ग़रीबनि जे ॿारनि खे कुता ॾाढे रहिया आहिनि ऐं ऑफिसर्स रुगो फंड्स हड़प करण में रुधल आहिनि। ॿुधायो वञे त मुहिम दौरान मुअल कुता किथे उछलाया पिया वञनि। जेकॾहिं मुअल कुता गंद किचरे में फिटा थियनि पिया त इहो वधीक ख़तरनाक आहे। हाणे एम पी एस कुता मार मुहिम जी निगरानी करे 16 फरवरी ते रिपोर्ट पेश कनि। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में 1 महीने अंदरि हद दख़लियूं हटाए रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। बल्दिया इख़्तियारनि ऐं असिस्टेंट कमिश्नर तर्फ़ां सरकारी ज़मीननि लाइ जारी कयल लीज़ ख़तमु करण जो हुकुम। ग़ैरक़ानूनी अदावतुनि ख़िलाफ़ु कासिमाबाद वासी जी दरख़्वास्त ते डी सी ऐं एस एस पी खां अघु भराई रिपोर्ट तलब। ॿुधणी दौरान डी सी चयो त कासिमाबाद सूधो ॿियनि इलाइक़नि में हद दख़लियूं ख़तमु कयूं पियूं वञनि। बल्दिया तर्फ़ां कुझु हंधनि ते पार्किंग ॾियण सबबि हद दख़लियूं हटाइण में ॾुखियाऊं पेश अची रहियूं आहिनि। अदालत तर्फ़ां शहर जे रस्तनि तोड़े मार्केट्स में ग़ैरक़ानूनी तौरु रखियल कैबिन्स ऐं पथारा हटाइण जो बि हुकुम। आबपाशी खाते जी ज़मीननि तां कब्ज़ा छॾाइण खे कारोबार में तब्दील करण जो तरीक़ो। सखर में निजी कंपनी खे आबपाशी खाते जी ज़मीननि तां कब्ज़ा छॾाइण जो ठीको ॾियण जो इंकिशाफ़।
कंपनी के 15 करोड़ 48 लख रुपये जो ठीको देने बाद वर्क ऑर्डर भी जारी। सखर बैराज के एक्सीएन तरफा जारी कल वर्क ऑर्डर में आपाशी खाते की जमीन तक कब्जा छड़ने लाय कंपनी ऑपरेशन कंदी। आपाशी खाते जा अमलदार भी कंपनी के अमलदार से गड हों। आपाशी खातों 2 साल तीन ठीके की रकम अदा करण जो पाबंद हों। खैरपुर में सोलर सिस्टम स्कीम में करोड़ों रुपये की मुबैना करप्शन जो इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट सखर डीसी खैरपुर का रिपोर्ट तलब कर वरती। सोलर सिस्टम स्कीम में मुबैना करप्शन खिलाफ दरख्वास्त बुधणी दौरान सीएमओ रिपोर्ट पेश न कई। अदालत तरफा सीएमओ से कावड़ जो इजहार। दरख्वास्त गुजार मुहकिब इख्तियार कर सोलर सिस्टम स्कीम में करोड़े रुपये जो खोबी हुई स्कीम में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल थो ए रुगो मनपसंद इलाक में सोलर सिस्टम लगया व्या। अदालत डीसी खैरपुर के 24 फरवरी तीन रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम दई छो। सिंध में पेनू फकीरन जो घेरो तंग। कराची हैदराबाद मीरपुर खास बेन शहर में सवे गदागर गिरफ्तार। कराची के मुख्तलिफ इलाक में गिरफ्तार 15 पेनू फकीरन के अदालत में पेश किया वो। अदालत पेनू फकीरन की 5,000 रुपये एवज जमानत मंजूर कर वरती। पैसा न होने की सूरत में खेन जेल मोकलने जो हुकुम। मेहड़ में भी पुलिस चयन पेनू फकीरन के गिरफ्तार कर वरतो। AIG कराची गुलाम नबी मेमण पेनू फकीर माफिया जेके जमानतू कराए आजाद थी वन था। शहीद बेनजीर भुट्टो अगूणे सदर आसिफ जरदारी की न्याणी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी जो तकरीबू जारी। मेहंदी की रस्म में घोट कुंवर के वेझन माइटन की शिरकत। जरियन जो चवण है तो मेहंदी की रस्म में पहुंतल मेहमान के बिरयानी कौरमो फ्राइड चिकन ए हलवो पेश किया वो। अगूणे सदर आसिफ जरदारी मेहमान से गड वक्त गुजारो। बख्तावर भुट्टो जरदारी ए महमूद चौधरी जो निकाह सुभाणे थींदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भेण की शादी से वाधायूं ॾींदड़न जा थोरा मञा। बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कोरोना सबब तकरीबन में घट मेहमान के दावत दिनी वही है। इस्लामाबाद लाहौर ए लारकानो में भी वलीमो थो। सुई सदरन गैस कंपनी सब का गैस पैदा कदड़ सिंध में गैस की खोट के फितरी मसलो करार दे छो। सिंध हाई कोर्ट में गैस बहरान खिलाफ दरख्वास्त जवाब जमा कराईदे SSGC इंतजामिया है सियारे में गैस की खपत पैदावार घटी वेंदी है। घरेलू वाफेदार सनत दुकान CNG स्टेशन जहाँ कनेक्शन एक ही लाइन से गंढल बुधने दौरान दरख्वास्त गुजार मौकिब इख्तियार कर सिंध 68% गैस पैदा करे तो तेकर गैस से सब का पैं हक सिंध जो ही है। सुई सदरन गैस कंपनी के जवाब से दरख्वास्त गुजार का जवाब तलब। कुंभ पुलिस जो अनोखो कारनामो। 3 साल अग फोतल गोठाने के झेड़े केस में जवाबदार नामजद कर छो। वसाण ए कलादी तकरार त 7 जणन खिलाफ FIR दाखिल कई वही। पुलिस FIR में 3 साल अग फोतल कलंदर बख्श कलादी के भी जवाबदार जाना छो। लाड़कानो में बेले खाते की जमीन त कब्जा खत्म कराने लाय ऑपरेशन। बाकरानी ए अमरोट वारन इलाकन में 300 एकड़ का वधिक जमीन ते पोखल फसल तबाह कयो वयो। ऑपरेशन दौरान कें भी अणवणंदड़ सूरतहाल के मुंह ॾियण लाय रेंजर्स ए पुलिस अहलकारन जो वॾो अंग मौजूद। हाला वेझो 4 ॾींहं अॻु घर भातियुनि सां कावड़ जी निकितल नारी जो सिंधु दरिया मां लाश हथ वारसनि पोस्टमार्टम खां इनकार करे छॾियो। पुलिस मूजिबि खाणोठ वासिन कौसर ख़ासकेली जो लाश सिंधु दरिया मां मिलियो आहे। वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ नाहिन आया। वारिसनि जो चवणु आहे त नारी कौसर ख़ुदकुशी कई आहे। ॾोकिरी वेझो हफ़्तो अॻु गुम थी वियल नींगर जो राज शाख वटां फाहो खाधल लाश हथ। पुलिस 16 वरन के साबिर शर जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर छो। वारसन जो चवण है असानी कैसा भी दुश्मनी ना है नींगर के कतुल किया वो है।
जामशोरो की अदालत जाल के कतल केस में डोह साबित थे जवाबदार के मौत की सजा बधाए छी। मॉडल कोर्ट के जज जवाबदार मोहम्मद जमान राजपूत के 2 लख रुपया दंड की भी सजा बुधाई। जवाबदार साल अग पी जाल बुशरा राजपूत के कतल कयो हो। पंजाब के शहर रहीम यार खान में जमीन की मालिकियत डिघ ए चाचर बिरादरी की बिंदुर में झेड़े था इलाको जंग जो मैदान बन वो। पुलिस की मौजूदगी में धुरन एक बे लठन ए सिरोटन जो वसकारो ला दिनों 14 जणा जख्मी। वाके वाले हंध पहुंतल पुलिस अहलकार भी पान के बचाईंदा रहा। धुरन में झेड़े की वीडियो टाइम न्यूज हथ कर वरती। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सागे शहर की तरंडा सवाई खान बाजार में मामूली गाल शहरी विढ़ी पाया। बाजार जंग जो मैदान बनल रही। झोल वेझो बाहे लगण सबब 7 पोहरतन जा घर सड़ी रख गोठ छुट्टो माछी में ओचितो बाहे लगी वही जै दिसंदे ही दिसंदे कासिम इब्राहिम अली गुल शाहनवाज हाशिम माछी ए बेन जा घर साड़े रख करे छड़ा। कराची टेस्ट की बी इनिंग्स में दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग जारी। मेहमान टीम 1 विकेट के नुकसान से 131 रन ठाए वरतूँ। इन अग पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 378 रन ठाए आउट। कौमी टीम के मेहमान टीम से 158 रन की बरतरी हासिल।